दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो उस रिजल्ट से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्लीट इंटीग्रल विद इन सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास कोई भी मान लो आपके पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो आपको उसको फाइंड करना है कंप्लीट इंटीग्रल। अगर वो कुछ इन टाइप्स में आता है, जैसे कि हमारे पास फोर टाइप्स है, पहला टाइप हमने देख चुके हैं और उस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप टू की। मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वो है इस पैटर्न में। ये पैटर्न क्या कहता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ओनली जेड पी एंड क्यू, उसमें एक्स अलाउड नहीं है, वाई अलाउड नहीं है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, पी की वैल्यू पुट करनी है ए क्यू, ऑप्टेन करना है क्यू, और क्यू कहाँ से मिल जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन, और उसका जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा वो इससे गिवन होगा। तो बात करेंगे इसकी प्रूफ की। तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लो आपके पास जो भी दे रखा है, आपके पास जो भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर वन। यह इक्वेशन नंबर वन। तो आपको पता है चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, जो कि होता है ये। तो चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसका लिख देंगे। तो लिख देते हैं चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये कहता है dx अपॉन fp, dx अपॉन fp, यहाँ पे p टर्म है तो हम निकाल सकते हैं, fp इज इक्वल्स टू dy अपॉन fq इज इक्वल्स टू dz अपॉन p टाइम्स fp प्लस q टाइम्स fq इज इक्वल्स टू dp अपॉन माइनस fx प्लस p टाइम्स fz। बट देखा जाए fx टर्म तो है ही नहीं, बिकॉज ये जो फंक्शन है इक्वेशन नंबर वन, इसमें x का टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो इसका fx का जो डेरिवेटिव, मतलब fx की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी जीरो, जीरो प्लस p टाइम्स fz, जीरो प्लस p टाइम्स fz इज इक्वल्स टू डी क्यू। सेम y का फंक्शन तो है नहीं, y के टर्म्स है नहीं, तो fy टर्म हो जाएगा जीरो, हमें मिल जाएगा माइनस क्यू टाइम्स fz। ये हो गया उसका चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, कोई भी दो इक्वेशन को कंसिडर कर लो। तो लास्ट के दो को कंसिडर कर लेते हैं और फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ये हमें मिल जाएगा डी पी इज इक्वल टू माइनस एफ जेड, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एफ जेड। एफ जेड एफ जेड गेट कैंसल, माइनस माइनस साइन गेट कैंसल, इसे कर देते हैं हम इंटीग्रेट। हमको मिल जाएगा पी इज इक्वल्स टू एल एन पी इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव होता है एल एन क्यू इंटू एल एन सी, वेयर एल एन सी इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। तो हमें मिल जाएगा एल एन पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू सी, सॉरी पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू सी, ये लॉग की प्रॉपर्टी इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमें मिल जाएगा पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू सी, या फिर हम कहें क्यू इंटू ए, ए इज एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमें मिल गई पी की वैल्यू ए क्यू। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने कहा था पुट पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, तो हमने वही किया है पुट पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, इसको ऐसा लिख दो ए क्यू। ठीक है, अभी हमें पी की वैल्यू मिल चुकी है और आपके पास जो इक्वेशन वन है ये है इक्वेशन नंबर वन और पी की वैल्यू हमको मिल चुकी है पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन, आपको उसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देनी है और वहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ क्यू। बट क्यू की जो भी वैल्यू आएगी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पी, पी जो फंक्शन है वो तो ए क्यू का फंक्शन हो गया, तो बचा कौन से वेरिएबल बचे, जेड बचा और ए बचा। तो क्यू जो होगा जो भी वेरिएबल आंसर उसका जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ जेड एंड ए के टर्म्स में आएगी और कोई वेरिएबल तो है नहीं। ठीक है, तो जो भी हमारा क्यू बनेगा इट इज़ अ बिकम अ फंक्शन ऑफ जेड एंड ए। ठीक है, तो हमें p मिल चुका है, q मिल चुका है, तो इसमें डाल देते हैं dz जेड इज इक्वल्स टू पी टाइम्स डी एक्स प्लस क्यू टाइम्स डी वाई। सो dz जेड इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू है ए क्यू डी एक्स प्लस क्यू मतलब ए क्यू डी वाई। इन दोनों में टर्म में जो कॉमन है वो है q a dx एक्स प्लस डी वाई डी जेड। ठीक है, सो dz जेड अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज अ फंक्शन, वेयर क्यू इज अ फंक्शन ऑफ z एंड a, ए डी एक्स प्लस डी वाई, इसे कर देते हम दोनों तरफ से इंटीग्रेट। हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई। और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, आप देख सकते हो गाइस, हमें यही प्रूफ करना था। अगर हमारा कोई भी पैटर्न इस पैटर्न का हो, मतलब अगर हमारा कोई भी इक्वेशन, अगर हमारा जो भी गिवन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास और वो इस पैटर्न में होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे टाइप टू पैटर्न, इस पैटर्न में होगा तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसका जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा वो इसके द्वारा दिया जाएगा, इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाएगा। तो उसमें समय आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पी की वैल्यू ए क्यू डालनी है और इस इक्वेशन में निकालना है।
तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया गाइस, उसका मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स कि हम कैसे तुरंत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।